नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। आज जनता दल यूनाइटेड के द्वारा मुजफ्फरपुर के चकबासू में भीम चौपाल कार्यक्रम और भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह मनाई गई, जिसमें जदयू के महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार, जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा, शैलेश कुमार शैलू सहित कई नेता उपस्थित हुए। शब्बीर अहमद पप्पू, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं और अभी प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के 3 संकल्प के बारे में लोगों को बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे, दलित पिछड़ा वर्ग के लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन तमाम बातों पे शब्बीर अहमद पप्पू ने चर्चा की। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, जो संविधान में समाज के दबे कुचले लोग हैं, दलित महादलित समाज के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके अधिकार को, उसके अधिकार की लड़ाई के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिया है, उस व्यक्ति की हम लोग यहाँ जयंती मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले इस चकबासू मोहल्ले में उपस्थित सभी लोगों से हम कहेंगे, एक बार आप लोग नारा लगाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, जनता दल यू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। साथियों, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को शिक्षा दो। अगर जिस व्यक्ति के अंदर, जिस समाज के अंदर शिक्षा आ जाएगा, निश्चित तौर पर वो समाज, वो परिवार, वो देश और वो राष्ट्र तरक्की करेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहला मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, शिक्षा हासिल करो। दूसरा कहा था संगठित रहो। एक उंगली जो है उसमें ताकत नहीं होती है, 5 उंगली को एक साथ कर लिया जाए तो मुट्ठी बनता है और मुट्ठी में ताकत होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था संगठित रहो, एकजुट रहो। कोई भी समाज अगर बटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, उसकी कोई अहमियत, कोई ताकत, कोई पूछ नहीं होती है। अगर वही समाज एकजुट हो जाता है, एक साथ आ जाता है, ताकत पैदा करता है, उस ताकत की पूछ होती है, ताकत की अहमियत होती है। और इस लोकतंत्र में कहा गया है कि वोट की चोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है। अगर आपका वोट 10 जगह 10 भागों में बढ़ जाएगा, आप अपनी पसंद की, आप अपनी हित की सरकार नहीं बना सकते। अगर आप एक साथ एकजुट होकर, संगठित होकर अगर एक साथ किसी एक पार्टी को वोट करेंगे जो आपके हित में सोचने वाली है, तो आपको उसका लाभ होगा और आपके पसंद की सरकार बनेगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संगठित रहो। तीसरा मंत्र उन्होंने दिया था कि संघर्ष करो। तीसरा नारा था बाबा साहब अम्बेडकर जी का कि संघर्ष करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो नारा था, कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी क्षेत्र में काम करता हो, वो पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, अगर वो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तो सफलता उसको कभी नहीं मिल सकती है। अगर सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने हक हकों को छीन लेंगे मेहनत के बल पर। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तीसरा मूल मंत्र दिया था कि संघर्ष करो। तो 3 मूल मंत्र बाबा साहब अम्बेडकर जी का, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जनता दल यू के लोग आज आपके चकबासू मोहल्ले में आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। इस समाज के जो लोग हैं, हमारे जैसे जो सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, इस समाज पर बैठे हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस समाज के लोग हैं, उनको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, खासकर दबे कुचले जो लोग हैं, जो अंतिम अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, उसका कैसे उत्थान हो, वो कैसे शिक्षित बने, उसका कैसे कल्याण हो, उसको कैसे सामाजिक क्षेत्रों में अधिकार मिले, इस बात की लड़ाई, इस बात का संघर्ष अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। हम लोग आज उस व्यक्ति को याद करने के लिए, उस व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए हम लोग आज यहाँ
करता हूँ। साथियों आज के मौके पर एक बात और कहना चाहूंगा, आज देश के हालात अच्छे नहीं है, आज देश बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। जहाँ भी जाइए किसी भी देश के राज्यों में देख लीजिए, जात पात की लड़ाई हो रही है, धर्म संप्रदाय की लड़ाई हो रही है, धर्मों में बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, ऊंच नीच में बांटा जा रहा है, गरीब अमीर में बांटा जा रहा है। इस भाई को, इस गंभीर को खाई है देश के अंदर, जिस पार्टी ने, भारत जलाओ पार्टी ने जिसने बना रखा है उसे मुक्ति दिलाने के लिए, अब बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जनता दल यू के लोगों ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के आदर्शों को, बाबा साहब के विचारों को अंतिम व्यक्ति तक समाज के पहुंचाया जाएगा। और खासकर बिहार में जिसकी सरकार है, जो उनकी उस समाज की बात करता है, दलित महादलित समाज की बात करता है, उसके कल्याण की योजनाएं बनाता है, उस सरकार के लिए, उस सरकार के लिए हम लोगों को भी सोचने की जरूरत है। समाज आज इस समाज के लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जितने भी सामाजिक क्षेत्र हैं उसमें सरकार ने दलित और महादलित समाज के लिए जो काम किया है, उस योजनाओं को भली भांति आपको बताने की जरूरत है, आपको उसका उससे लाभ उठाने की जरूरत है।